तो ये मैं हूँ, ये हमारी आरवी है और ये हमारा डैमेज। टायर है टायर के अंदर जो फाइबर वायर होता है वो भी फट गया, वो भी निकल गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये कौन सी शाम है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि हुडी की कैप भी चढ़ा लिया है लेकिन ठंड नहीं बंद हो रही है। ऊपर से इस ठंड में हाईवे पे एक गैस स्टेशन पे और पंक्चर टायर के साथ में, कमाल की कलाकारी है ईश्वर की भी। और अगर हम छड़े लोग होते हैं ना भाई, छड़े लोग, बिल्ले लोग, या फिर ये कह लो कि हम लोग बैचलर होते तो कोई इशू नहीं था, फैमिली साथ में यार वो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। अब यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ऊपर से सुबह एविनिशा की क्लास है, ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए हम लोग लैपटॉप कहाँ पे चार्ज करेंगे, आई डोंट नो, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस रात में। ट्राई कर रहे हैं, बेचारा जॉन लगा हुआ है, अब खुद से ही टायर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी ही हो जाएगा होपफुली। अगर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, कोई एक जैसे होता है ना कि एसयूवी का टायर या ट्रक का टायर वो बदलना आसान होता है, ये आरवी का टायर जो है वो बदलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जॉन का भी, और मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, तो आई डोंट नो, मैं जॉन की हेल्प कर रहा हूँ, हेल्पिंग हैंड बना हुआ हूँ कि किसी तरीके से हम लोग बदल सकें और निकल सकें यहाँ से, नहीं तो पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी हमें इस हाईवे पे इस ठंड में। प्रे फॉर अस, थैंक यू, मिलता हूँ जल्दी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रोहित राज हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि शाम को मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे साथ क्या हादसा हुआ था, बूम, टायर ब्लास्ट हुआ था, स्पेयर वाला टायर हमने लगा दिया है, अभी हम लोग टायर शॉप पे जा रहे हैं। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, कहानी आगे बढ़ी थी। जिस गैस स्टेशन पे हम लोग रुके हुए थे और हम लोगों ने टायर वायर बदल के वहीं पे पार्क करके अंदर सो गए, रात को 12 बजे पार्किंग लॉट के मालिक ने शेरिफ को भेजा। शेरिफ कौन होता है? जिसे अपने यहाँ एरिया का थानेदार होता है, पुलिस चौकी का, यहाँ पे शेरिफ कहते हैं, अगर आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, तो शेरिफ को भेजा क्योंकि वो खुद नहीं आते, क्योंकि जितने भी ट्रकर्स होते हैं या रुकने वाले होते हैं सबके पास अपनी गन होती है, तो कौन कौन से मूड में हो, ड्रिंक किया हुआ हो, फायर कर दे, इसलिए वो खुद नहीं आते, शेरिफ को भेजते हैं। तो शेरिफ आया था रात को 12 बजे, हमें नॉक किया और बोला कि ये जगह पार्किंग के लिए नहीं है, सही, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए और कुछ 20 माइल्स के बाद आपको वॉलमार्ट मिलेगा, आप वो लोग वहाँ पार्क कर लीजिए। हम लोगों ने वापस सारी चीज़ों को समेटा क्योंकि हम लोग सो चुके थे, सारी चीज़ों को ठीक किया, बहुत लंबी रात थी कल की। और उस दौरान एक और बड़ा हादसा हमारा इंतज़ार कर रहा था, वो बड़ा हादसा ये हुआ कि मेरे जो कैमरा लेंस है वाइड एंगल 1635 वो मेरे से गिर गया, और वो गिरा और टूट गया। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान टैक्सेस वैक्सेस में ला के, तो ये कांड हो गया कल रात को मेरे साथ। आई एम सैड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, पहले हम लोग टायर शॉप पे जाएंगे, चीज़ों को फिर से चेक करेंगे कि रास्ते में कुछ और हादसा हमारे साथ ना हो, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग डिसाइड किया कि साउथ कैरोलिना जा रहे हैं, टेक्सास नहीं जा रहे हैं। तो साउथ कैरोलिना में हम लोग समंदर के किनारे बीच बीच पे जाएंगे और सब चीज़ें, बहुत खूबसूरत बीच बताया जाता है, हमने कभी देखा नहीं है, ना जॉन ने कभी देखा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बट प्रे कीजिए कि कोई और हादसा हमारे साथ ना हो।
यार बहुत बड़ा झटका लगा, लेंस चला गया, अब मैं वाइड शॉट कैसे लूँगा। ओके लाइफ है, होता है। फिर मैं जब हम लोग घर लौटेंगे न्यूयॉर्क, तो मैं BNH जिसका वीडियो मैंने आप लोग को ब्लॉग बनाकर दिखाया है, उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो दुनिया की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहाँ जाऊँगा और वाइड एंगल लेंस खरीदूँगा। नो प्रॉब्लम। तो जर्नी शुरू करते हैं, आज एक नया दिन है, होपफुली नया दिन हमारे लिए अच्छा होगा और आप लोग को साथ में है ही ना प्रे करने के लिए हमारे लिए। तो चलते हैं और शुरू करते हैं जर्नी को। तब तक के लिए स्टे ट्यून और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और भगवान से प्रे करूँगा कि आप लोगों के साथ में ऐसा कोई हादसा ना हो, आप लोग सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। तो आपने देखा मेरा लेंस कैसे डैमेज हुआ है, मैं फिर से दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। ये यहाँ पे पूरा गिरा, ये पूरा डैमेज हो गया है, यू कैन सी राइट। अंदर पता नहीं कितना डैमेज हुआ है, तो ये ठीक तो नहीं ही होगा क्योंकि इसकी वारंटी भी ख़त्म हो चुकी है। और ये वाइड लेंस है, आप देख सकते हैं ये 16-35 राइट, लग गई, प्रॉपर लग गई है। एनीवेज तो अभी हम लोग, आप देख रहे होंगे आरबी खड़ी है और हम लोग पहुंच चुके हैं टायर के लिए, जो कि मैंने सुबह बताया था कि रात को हमने टायर तो फिक्स कर लिया था लेकिन चारों टायर को चेक करवाना है। उसके बगल वाले टायर भी डैमेज हुआ है क्योंकि वो जो टायर ब्लास्ट हुआ था वो उसमें उसके रिम फंस गई थी पूरी, तो उसको भी चेक करवाने आया। और जो स्टेपनी का टायर है वो इतना अच्छा है ही नहीं, काम चलाओ दे दिया उन्होंने, तो नया टायर लिया जा रहा है स्टेपनी का। और मुझे लगता है कि उसके बाजू वाला टायर भी चेंज करना पड़ेगा, तो लंबा खर्चा है, लंबा लफड़ा हो गया। कल की रात बहुत ही हॉरेबल, बहुत ही बुरी रात थी हम लोगों की ट्रिप की, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी कंटिन्यू करेंगे, आप लोग जो साथ में हो तो कंटिन्यू करेंगे एडवेंचर को। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ ये टायर का काम चल रहा है हमारा। ये बाहर देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि ठीक होने आई है, और टायर कैसे चीथड़े उड़ते हैं और कैसे यहाँ पे लाए जाते हैं। बेसिकली ये बहुत दूर नहीं था लेकिन रात को हम लोगों को ये बात पता नहीं थी कि ये इतना दूर है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुराने टायर हैं सारे। और ये रात वाला टायर तो आपको याद ही होगा जिसके चीथड़े उड़े हैं, ये हमारे आरबी का है। इसका जो मेटल की जो रिम वगैरह होती थी वो पूरा टूट चुकी है,
और इन लोगों ने अलग करके रख दिया उसको, ताकि किसी को किसी का हाथ वात ना कटे। और हम लोग जो खड़े हैं इस वक्त, आप देख रहे होंगे पीछे रोड है, ये सर्विस रोड है, ये हाईवे नहीं है। सर्विस और हाईवे जो है वो थोड़ा सा आगे जाके उस तरफ है, तो हम लोगों ने हाईवे से सर्विस रोड लिया और गूगल की लोकेशन से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि ये बहुत दूर नहीं था वॉलमार्ट से, लेकिन रात को ये बंद होता, क्योंकि आप लोगों को कल मैंने बताया था कि 5 बजे अमेरिकन लोग काम करना बंद कर देते हैं और सैटरडे संडे भी काम नहीं करते। कमाल की ज़िंदगी है यार, कमाल की लाइफ स्टाइल है, मज़े लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि ये लोग मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 दबा कर काम करते हैं, मतलब सिर्फ लंच के लिए या कॉफ़ी के लिए ब्रेक लेते हैं, दबा कर काम करते हैं, आलसी नहीं है। लेकिन फ्राइडे इवनिंग से वीकेंड पे ये दबा के पार्टी करते हैं, ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक फ्राइडे इवनिंग पार्टी करते हैं, सैटरडे इवनिंग पार्टी करते हैं, उसके बाद संडे को ये लोग घर का काम करते हैं, जो पूरे वीक का काम बचा हुआ होता है ना, लाइक लॉन्ड्री करना, कपड़ों को धोना, या बर्तन वर्तन पूरा साफ़ करना, गार्डनिंग करना, या लॉन पीछे सफाई करना, जो फॉल में पत्ते गिरे हैं उसको साफ़ करना, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रास काटना, ये सारी चीज़ें, या गाड़ी का डैमेज है या कुछ ग्रॉसरी खरीद के लाना, वो सारा काम करते हैं संडे को। मंडे से अगेन इनकी रूटीन वही शुरू हो जाती है। तो ये कहानी है, तो संडे को सारा काम निपटा के मंडे को फिर से काम पे जुट जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, फिर वही सर्कल, वही रूटीन चालू हो जाती है, और फिर फ्राइडे सैटरडे नाइट पार्टी, और फिर संडे को वही सारे काम, फिर मंडे से वापस। तो ये इनकी लाइफस्टाइल है, जो कि मुझे बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लगी। इन लोगों ने हर चीज़ के लिए एक टाइम, एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हम लोग ऐसा नहीं करते इंडियन लोग, जब जी में आया कर लिया, जब चाहा ऑफिस से बंक ले लिया, जब चाहा अपने काम से बंक ले लिया, पार्टी कर ली दोस्तों के साथ, सुबह 4 बजे तक पार्टी कर ली, नेक्स्ट डे लेजी की तरह उठे, काम पे जाने का दिल नहीं है, फिर भी चले गए, 100% अपना काम में फिर नहीं दे पाते हम लोग। खैर हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, शायद यहाँ पे भी हो, मेरी मुलाकात अभी तक हुई नहीं है उन लोगों से। तो ये लेंस, वो टायर और कल की रात, ये थी पूरी कहानी, जो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी।